आप? हाँ भैया, बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा ये आप अच्छा क्या कर रहे हैं? ये मैं यज्ञ कर रहा हूँ भैया। यज्ञ? यज्ञ तो बड़े कुंड में होता है। ये सूच में आ गया, सूक्ष्म यज्ञ? मैं तो समझा नहीं। ये इसका प्रभाव भी बड़े यज्ञ की तरह ही होता है। इसको कम समय में कम साधन सामग्री के साथ आसानी से कर सकते हैं। मगर भैया, यज्ञ तो धार्मिक अनुष्ठानों और बड़े बड़े त्योहारों में होता है। यही तो विडम्बना भैया, आज के लोग इसे धर्म से जोड़ दिए हैं, जबकि इसको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। मगर भैया, इसके क्या लाभ हैं? आज के समय में हम लोग देख ही रहे हैं, कल कारखानों से, गाड़ियों से, मोबाइल रेडिएशन से कितना वायु प्रदूषित हो रहा है। तो इसको शुद्ध करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो भैया, यज्ञ से कैसे वायु शुद्ध होती है? हम लोग यज्ञ में औषधियाँ डालते हैं, तो औषधियाँ जल कर नष्ट नहीं होती, बल्कि उसके कण वायु में फैल कर उसको शुद्ध करते हैं। और जब हम लोग श्वास क्रिया करते हैं तो वायु अंदर जाती है और फेफड़ों को मजबूत करती है और हमें स्वस्थ बनाती है। मगर भैया, यज्ञ से वायु कैसे शुद्ध होती है? मैं कुछ समझा नहीं अभी भी। अगर हम लोग अग्नि में मिर्च को जालें तो क्या होगा, वायु के साथ उसके कण फैल जाएंगे और जहाँ तक भी पहुँचेंगे लोगों को छींक खांसी आएगी। वैसे इसके भी कण जहाँ भी पहुँचते हैं वायु को शुद्ध करते हैं। तो क्या भैया, जैसे कि मैं 2 चम्मच घी खाता हूँ तो सिर्फ मुझे लगता है, और वही अगर मैं अग्नि में डालूंगा तो क्या वो सबको फायदा करेगा? जी भैया, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यज्ञ को जो भी हम लोग देते हैं वो हम लोग को कई गुना इसका वापस लौटाता है। अब तो विज्ञान ने भी इसे मान लिया है। अच्छा भैया, अब तो यह यज्ञ मैं भी करूंगा। जी भैया, आप भी करिए और लोगों को भी कराइए। क्या मुझे भी मिल सकता है ये? जी भैया बिल्कुल, ये कीजिए। अब तो यह मैं नित्य यज्ञ करूंगा और जी अपनों को और खुद को सबको स्वस्थ रखूंगा। जी भैया बिल्कुल करिए। धन्यवाद भैया। तो आइए, आने वाली 26 तारीख को अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ हम सभी लोग एक साथ एक समय पर यज्ञ यज्ञ करें और खुद को स्वस्थ करें और वायु वातावरण को भी स्वस्थ रखें। और लोगों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।